हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक हो चुका आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे विदाउट एडिट सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे पिछली वीडियो में हमने ये सब कुछ बनाया था। ये सब नहीं दिख रहा क्या? ये तो बस ठीक किया था, ये बनाया इसका सामान कलेक्ट। ये मैंने लीवर गाइस इसलिए लगाया, इसको ऐसे फ्लिप करेंगे फिर इससे कुछ भी स्मेल्ट होगा तो उसका हमें एक्सपी मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा एक्सपी तो नहीं दे रहा है बट फिर भी ओके। और ये हमारा लावा का ये फार्म तो बढ़िया काम कर रहा है, बारिश यार बहुत परेशान करती है। तो गाइज, आज हम हमारे घर के लिए रिसोर्स कलेक्ट करने वाले हैं। हम सो भी नहीं सकते, छी भाई, हमारा घर बना रहे तो उसके लिए रिसोर्स कलेक्ट करने वाले। और मेरे पास क्या क्या पड़ा है, क्वार्ट वगैरह, मेरे को थोड़े से कितने कम से कम पहले चल के एक एरिया फ्लैट कर लेते हैं, किधर बनाएंगे हम घर वो देखते हैं फिलहाल तो। हाँ भाई गोलम, रहने दो इसे, इससे बातचीत नहीं करते, कुछ पता नहीं है, वेल ले बस घूमते रहते हैं, ऊपर चढ़ के देखते कहीं तो। भाई ये दोनों तो मस्त पार्टी कर रहे हैं अंदर, आ जाओ नमूनों बाहर, ऐसे आप भी नहीं पाएंगे। ये देख रहे हो इसका यहीं पे चल रहा, घूमर 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 घूम, बस हो गया इसका। चलो इधर के ओर मैं सोचो घर बनाया जाए, तो इधर चल के जो गड्ढे गुड्ढे से ना थोड़ा सा, वैसे मेरे को यहाँ पे फ्लैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्लैट है, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो एटलीस्ट 40x40 के एरिया में होने वाला है। उसका सामान जमा करेंगे इस वीडियो में, घर तो बनाना ही है। अब विदाउट एडिट मतलब चैलेंज है कि हमारा हम एपिसोड सर्वाइवल करेंगे लेकिन उसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, तो चैलेंज है तो भाई करना तो पड़ेगा। ये गड्ढे भरने, ये गड्ढे गाइज ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं, क्रीपर कुछ नहीं फटे, ऐसा मैं सोचना क्रीपर फट जाते। भाई शवल कुछ ज़्यादा तेज नहीं चल रही, ये भी डन, शवल थोड़ी सी ज़्यादा तेज चल रही है ऐसा मेरे को लग रहा है। ये और थोड़ी सी डर्ट चाहिए, दो डर्ट चाहिए, लास्ट दो डर्ट, बस डन, इसे भी कर दो बंद। ये एरिया गाइस अभी हमारा हो चुका है यार, ये एक और गड्ढा है थोड़ी, मैंने डर्ट वगैरह कुछ माइन करके भी नहीं रखी, मेरे पास एक्सपी भी नहीं है कि मैं हाँ कर लूँ। वैसे मेरे को स्पॉनर मिला हुआ है जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इससे पिछली से भी पिछली से पिछली में जब हम केव में गए थे, भाई वहाँ स्पॉनर मिला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है। मैं बना सकता एक्सपी फार्म लेकिन मैं आल से, और एक तो भाई वो स्पॉनर में इतना ज़्यादा कुछ एक्सपी मिलता नहीं है, इसलिए मेरे को एक्सपी फार्म पे एक एक्सपी फार्म पसंद है जो कि है एंडरमैन फार्म, बस। भाई इतनी फास्ट हो गई शवल, पता ही नहीं चला, रात भी होने लग गई है, कितने गड्ढे, कोई बात नहीं हम चल के सोते। और मेरे को थोड़े से, भाई मैं लास्ट वीडियो में इसको बंद करना भूल गया, इसे सबको रख दो सोते अभी फिलहाल को, फिर हम जाएंगे क्वार्ट लेने। क्वार्ट चाहिए मेरे को, थोड़ा सा ग्लास चाहिए, ग्लास पकाने को रख के जाएंगे, पकाने को पकने को एक बात है, ये जब इतना फार्म चलाई है ना तो इसको, भाई यहाँ पे गेम लैग हो जाएगी मेरी इससे, इसे क्राफ्ट कर लेते, फ्यूल का थोड़ा सा सिस्टम शॉर्ट हो जाएगा हमारा। तो थोड़ी सी सैंड चाहिए मेरे को, भाई ऑटो क्राफ्टर वाला मोड जल्दी आ जाए, मोड नहीं मतलब वर्जन जल्दी आए अपडेट, भाई कितनी पावरफुल चीज़ है भाई सबको पता है। पहले हम ऑटोमेटिक फार्म्स बना सकते थे, अब ऑटोमेटिक क्राफ्ट भी कर सकते हैं, सोच रहे हो कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी तगड़ी। इसमें डाल दो इसे,
इस वाले में भी बाकी डाल देंगे हम हमारे स्मेल्टिंग सिस्टम के अंदर। मेरे को फार्म बनाने के लिए काफ़ी सारे ब्लॉक चाहिए जो कि बहुत सारे जमा है, और ये वैसे भी नेदर से भी काम करता है। चलो मैं सब कुछ ले रखा है ना, नहीं सब कुछ नहीं लिया, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ जाने के लिए। मेरे पास डायमंड वगैरह पड़े, मेरे को इसे और अपग्रेड भी करना है अपने आप को थोड़ा सा। मेरे को रेड स्टोन है, मेरे पास सैंड भी है काफ़ी है, बट इतनी इनफ नहीं होगी। क्वार्ट चाहिए मेरे को, 8 क्वार्ट पड़े, और मेरा जो घर होने वाला है उसमें एटलीस्ट मेरे को 20 क्वार्ट चाहिए, तो 20 क्वार्ट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। चलते हैं, इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आधा घर तो बना ही थे हम। चलो अभी हम आ चुके हैं भाई, यहाँ आसपास क्वार्ट मिल जाए तो कितने मज़े आ जाएंगे। नहीं यार, घास से पंगे नहीं, वो बना के एक तो वहाँ बेसॉल्ट है यार, ऊपर से गाड़ी वाले पे भाई हाईवे खाली रोड रहता है, निकल जाओ। अल्लाह नहीं भाई, मैं ऐसे गिर के मर सकता हूँ, मैं ऐसे कोई हरकत भी नहीं करने वाला मरने वाली। अभी भाई मैं इसको मार देता पिछले दो लिटरली, मैं राइट क्लिक, हाँ हाँ मरने के लिए ये मेरे पता था भाई। मेरे को नीचे काफ़ी सारे दिख चुके, यहीं पे दिख गए, मैं थोड़े ज़्यादा लेके चलूँगा, मेरे को दोबारा आने का मूड नहीं है बिल्कुल भाई। तो वो मिल जाए, फोर्ट्रेस मिल जाए, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को फोर्ट्रेस में ब्लेज रॉड मिल जाए, उसके बाद मेरे को डायमंड के लिए माइनिंग पे जाना पड़ेगा। बाकी मेरे को वो भाई मैं ऐसे ऐसे जंप कर देता, मेरे को माइनिंग पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा क्लैरिक जो है वो हमें लैपिस भी देता है, रेडस्टोन भी देता है, और आयरन का फार्म है, गोल्ड का फार्म बना लेंगे जल्दी। उसके बाद हमें और क्या चाहिए होता है, ओह ओह हो हो, मरते मरते बच गया, माइन नहीं करना मेरे को, तो यहाँ से माइन करेंगे हम। भाई क्या ट्रैप है ये, हाँ गाइस इस पे सैडल कैसे लगा है, ये होता है सैडल लगा हुआ भाई, ये कैसे हुआ, खेला तुमने भाई, सच्ची बता रहा हूँ मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है ये इसमें नहीं होता। अगर ये रेड चीज़ है तो भाई मेरी किस्मत अच्छी है, और जोर से गेट तोड़ दे गाइस, ये सच्ची कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे सारे एपिसोड तो आपने, हाँ भाई आइए आइए छोटू आइए इधर आइए, देख नीचे क्या है, नीचे नीचे देख, समझ नहीं आती, नीचे देखने बोला मैं, इधर 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 नीचे देखने बोला मैं, समझ नहीं आई क्या बोला गया तेरे पापा को। भाई ये सच्ची कह रहा हूँ, ये मैंने तो नहीं किया, पहली बात तो मेरे पास सैडल भी नहीं है, और मैं इतना नीचे गया भी नहीं, और अभी तो मेरे पे सैडल का एडवांसमेंट भी नहीं होगा, शायद से उसका एडवांसमेंट होता है। यहाँ पे और पार्ट है, हाँ भाई सारे भाई ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ से मैं गिर के मरूँगा। ये ऐसा अंधेरा है ना भाई, दूर से फोर्ट्रेस ही लगता है ये, मेरा पोर्टल उधर है गाइस, ये देख रहे हो कितने सारे पार्ट है, बट मैं इन्हें ले ही नहीं सकता मैं अंदर में भाई, पहले हेल्पफुल करो फिर इसको चमकाते, आ जाओ आ जाओ, हाँ हमसे पंगा इसको मारो, फिर खर्चा कभी नहीं मारेंगे। गाइस ये देखो ये आ चुका है पीछे से पक पक करने, इसकी वजह से गाइस एक वीडियो बहुत खराब हुई है, इन्हें बहुत पक पक करा पीछे से,
अभी हाल ही में आई थी वो हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड की, जिसमें भाई 30 की वॉइस है, इतनी वॉइस है। आज तो विदाउट एडिट है, आज कोई दिक्कत नहीं है। गाइज एक पांडा लेके मुझ पांडा पे अटैक करने आया है, इसे क्या पता वो टैडी पांडा में रियल पांडा नॉट एनिमल वाला। भाई इतना क्वार्ट इनफ है, नहीं भी होगा ना तो भी ऐसे इतना इनफ ही है। ऊपर से कूदा था मे बी, हो रहा है हमारे पोर्टल, यहीं से डिग अप करके चलते स्टेयर केस बनाते हुए ताकि। और यहाँ पे सोल सैंड है क्या, मिलेगी क्या सोल सैंड? आसपास देख लेते, दिख जाए तो भाई काम आएगी मेरे थोड़ा सा। जब भी आता है यार ब्लॉक्स नहीं लाता, आपकी बार में कॉबलस्टोन लेके आऊंगा। आसपास सोल सैंड मिलेगी क्या? लगता तो नहीं है मेरे को भाई, हो रही एंटर पर लेते फिर जाएंगे हम सोल सैंड लेने। एंटरमैन भाई चूरन है ये लोग, देखोगे यार नीचे रहेंगे, आएंगे नहीं ऊपर, नहीं आते ये, टेलीपोर्टेशन पावर होने के बाद नहीं आ पाते चूरन से। आजा 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 छोटे तू आजा, वो देखो लावा में चल रहा हो भाई साहब, आजा तू आजा, कोई तो आ जाओ भाई। एक एंडरमैन नहीं आया, मैं जा रहा हूँ ओवरवर्ल्ड, रहने दो भाई मेरे को नहीं चाहिए। सोल सैंड का बाद में देखेंगे, चलो अभी चलते हैं। मेरे को ऑब्जर्वर क्राफ्ट करने हैं भाई, रेडस्टोन का एटलीस्ट है मेरे पास, और उसके लिए चाहिए होता है कॉबलस्टोन जो कि मेरे पास बहुत भर के पड़ा है। इस वाले चेस्ट सब खत्म हो गया, कॉपर में है इतना बहुत है भाई। मेरे को हर एक के पास रखना पड़ेगा इसको, 10 तक आने ना ऑब्जर्वर पास, बाकी सामान रख दो। रेडस्टोन की तो ज़रूरत है, आ गया सारा मिल सकते क्या? मेरे को 10 रेडस्टोन की ज़रूरत है, थोड़े से ब्लॉक्स की ज़रूरत है, इसे रख दो, क्वार्ट को रख दो। इसे मेरे को 10 नहीं चाहिए, मेरे को एक साइड के लिए 10 चाहिए, और उसमें मेरे कम से कम 2 तो बनने वाले भाई। चलो अभी ये हो गए 20, और मेरे पास 12 रेडस्टोन है तो 12 में काम नहीं होगा, इसे रख सकते हैं अभी हम। मैं कॉबलस्टोन तो यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला, अब थोड़ा अपग्रेड हो चुके हैं हम। मैंने सैंड नहीं रखी थी, वाओ सैंड भी लेके आता हूँ अभी, वैसे मेरे को उसकी ज़रूरत तो नहीं है प्रोबेबली, मैं उसे पूरा पैक भी कर सकता हूँ बट पैक नहीं करने वाला मैं। शुगर केन तो मेरे को चाहिए होगा, अब शुगर केन बोल दिया है मैंने तो आप लोग समझ गए मैं काय के लिए जमा कर रहा हूँ। मैं मेरे घर में छोटा सा एक वो शुगर केन का फार्म बनाने वाला, छोटू सा बिल्कुल, जो कि बस शो के इसके लिए रहेगा। मैं मैनुअली भी प्लांट कर सकता हूँ बट मैनुअली में वो वाला मज़ा नहीं है, तो इसको अभी रख देते हैं, इसे भी रख दो। जो भी फार्म्स का मतलब है ना, इसको सबको इधर रखो, ग्लास को मेरे को उसके बाद थोड़े से स्टोन ब्रिक्स चाहिए होंगे, लकड़ियाँ भी चाहिए, लकड़ियाँ जमा करते 4 स्टैक से तो ज़्यादा ही चाहिए होंगे मेरे को, 8 स्टैक ले लेते हैं।
मैंने 8 स्टैक से ज़्यादा ले लिया, रख दो इसे, चल के सोते हैं, वरना क्रीपर वगैरह आ गए तो दिक्कत कर देंगे। चलो डन, इसे इधर रख देते, एक स्ट्राइक अपने पास रखते, उधर बाउंड्री बना के आते हैं। पता किधर रखा जाए, मुंह किधर रखे, इधर रखते हैं मुंह ऐसे। चलो सबसे पहले तो इधर घास हटानी पड़ेगी बहुत है, ये हो जाएगा जैसे हमारे गेट के एंट्री, एंट्री हो गई 4 ब्लॉक की, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने गड़बड़ कर दी, कितना था ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ये, है सर मैंने फिर कुछ गड़बड़ की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चल चल बात मत के खा गई, मेरे को कंफ्यूज करा बगल में बैठ के, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आई थिंक कितने में तो मेरा घर बन ही जाएगा, 20 में, लेकिन इसको 30 करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। गाइस मेरे को कंफ्यूज करा, मैंने क्या गड़बड़ की मेरे को आप बताना। 1, 2, 3 गाइस पूरे 30 ब्लॉक है, कंफ्यूज करा, मेरे पास 31 टॉर्च थी, 30 प्लेस हो गई, एक मेरे पास ही थी। चलो तो मैंने एरिया तो अपना बिल्कुल परफेक्ट ले लिया है, इतना बड़ा एरिया में भी ठीक होगा, क्या और बड़ा करें। हाँ भैया आइए, अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है, इतना बड़ा एरिया आई थिंक इनफ होगा। सेंटर मेरे हिसाब से ये होने चाहिए, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, ये हो गया गाइस हमारा सेंटर, तो इसको 4 ब्लॉक का रखेंगे हम। ये कुछ इस तरीके से है हमारे घर के एंट्रेंस, अब इसको पीछे लेके जाना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, खराब करने लगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब ये 15 ब्लॉक लगा देते, ये हो जाएगा 30, गड्ढे के ऊपर से घर जाएगा हमारा। ये भी हो चुका है, इधर मैं ब्लॉक्स लेके नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना भी ठीक है, हमने अपना सेंटर वगैरह ले लिया है, तो इतने दायरे में हमारा घर बनने वाला, और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो लकड़ियाँ लेने चलते हैं। मेरे पास इनफ लेवल है, तो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, मेरे थोड़ा सा टाइम बचाते, इधर चलते हमारे विलेजरों के पास, मज़दूरों से थोड़ा सा काम कराते, वैसे भी कुछ काम धंधा नहीं करते, पिटने के काम करते फिर भी। हाँ भैया कौन सा है भाई, जॉब रिसर्च कैसे की तूने,
भाई मैं सबको मैथ्स, हाँ चलिए वाला मैथ्स से कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी 2, अब वही की 4, 3, 4 हो जाएगी। एक और चाहिए मेरे को, मेरे पास एमरल्स भी। अबे हटो ना यार, खाना खाने दो। करेंगे क्या ये अब, रेड प्लीज प्लीज प्लीज, किसी ने किया कहाँ ये चोरू चक्के वाला वे तो है नहीं भाई। यार मैं इनको सच्ची में मारूंगा भाई। वो लेजर कहाँ गया जिससे भी मैंने ट्रेड की? इधर है ना, यहाँ कोने में छुप रहा है। कोई नहीं, अभी के लिए चलते, मेरे पास एमरल्स भी नहीं है। मैं कर सकता हूँ ग्राइंड, बट मैं अभी करने नहीं वाला। सरक दो एनविल, ये रहा हमारा। 3 लेवल लग रहा है, ऐसे भी 3 लग रहा है। देखो एफिशिएंसी 3, इसको इधर रखेंगे। 8 लेवल, 6 लेवल, और इसका नाम रखेंगे ऐसे तो नहीं रखेंगे, क्या रखता हूँ मैं, गॉड गॉड। ये हो चुकी है डन। इस वाले एक्स को अभी क्लियर रखते थे, ये हमारी गॉड एक्स। एक सेकंड देना इस मेरे को। हाँ चलते, अभी ये पूरा जंगल सफा करेंगे फटाफट भाई। ये हो चुका है तो यहाँ से इसको उठाते, पूरे एग्जैक्ट 10 ही थे। चलो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपना, सारे चल जाएंगे, फिर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते अभी हम पेड़ माइनिंग करते, और क्या ही कर सकते भाई टाइम। वैसे मेरे को घर बनाने के लिए वाले पेड़ भी चाहिए ना, मेन दिक्कत ये है। नहीं तो मैं फार्म भी बना सकता हूँ, बट फार्म डार्क ओक भी नहीं है यहाँ आसपास कहीं। थोड़ा मैंने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है, एक्सप्लोर करेंगे कभी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह पे। वैसे मेरे पास इतना तगड़ा इंटरनेट नहीं है जो मैं लाइव करूँ, मैं सोचता हूँ बट नहीं कर पाता यार। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। सारे पेड़ काट दो भाई, जंगल भी क्लियर हो जाएगा। भाई आधा काम बर्बाद, पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गई है मेरी एक्स। यहाँ पे एक और लगती है भाई, और कितनी है माइन माइन हो जा, हो जा, हो गई, और तो नहीं है, डोंट टेल मी। और चलो 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 गाइस, आप लोग भी मुझे घर का आइडिया देना, मैं बनाऊंगा भाई। आप जैसा घर बोलोगे मैं वैसा भी बनाऊंगा। इसके अंदर बी है, अरे नहीं तोड़ना नहीं था, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। मैं इसका हनी का वो फार्म बना सकता था, बट उसका मैं करूंगा क्या पता नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी चीज़ की। जैसे मेरे को कैंडल बनाने के लिए हनीकॉम की ज़रूरत पड़ती है, मैं मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में हनीकॉम को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे को कैंडल बनानी थी। और एंशिएंट सिटी तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, वहाँ भी चलेंगे। आप लोग
बताना तब चलेंगे। सर मेरे को कोई मन तो नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस गोल्डन एप्पल मिलते। बट ऐसा है ना कि मैंने जब पीसी लिया था उस टाइम पे, मैंने माइनक्राफ्ट जब डाउनलोड किए थे ना, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे क्रिएटिव वर्ल्ड खेले, बहुत सारे एमएलजीज करने की कोशिश की भाई। फर्स्ट पीसी का एक्सपीरियंस कर रहा था, मतलब फुल चिल कर रहा था क्रिएटिव में जाके, कहीं किसी से फाइट कर रहा हो, कहीं किसी, क्योंकि भाई जो पॉकेट एडिशन वाले बंदे ना, उन्हें पता होगा एम की प्रॉब्लम किसे कहते हैं। अगर या तो तुम किसी पर अटैक कर रहे हो ना, तो तुम अपना एम मूव नहीं कर सकते उसमें, या तो तुम अपना एम मूव करो या तो अटैक करो, क्योंकि पॉकेट एडिशन कुछ इसी तरीके से भाई, उसमें एक बार में एक फिंगर से ही काम कर सकते हैं, दो फिंगर का काम नहीं होता। और वहीं पीसी में भाई माउस होता है, तो हम अच्छा एम बेटर कर सकते। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा था भाई। मैंने वार्डन की सिटी, पता है, ऐसे मतलब तगड़े तगड़े सीड्स ट्राई करे, क्या क्या नहीं करा, मोड डालने की कोशिश करी, शेडर्स डाले, इतने मतलब बहुत कुछ करा था। लेकिन उसके अंदर मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कितनी एंशिएंट सिटी, और एक वो वाले सीड में मैंने ट्राई करी जिसके अंदर चार एंशिएंट सिटी मिलती है भाई, उसके अंदर भी मेरे को मतलब एक इंचांटेड एप्पल नहीं मिला। और मैं काफ़ी सारी एंशिएंट सिटी, मतलब जिस वर्ल्ड में पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको मेरा कॉबलस्टोन फार्म दिखाया था, उस वाले वर्ल्ड के अंदर भी मैंने कम से कम दो या तीन एंशिएंट सिटी एक्सप्लोर करी, उसके अंदर भी एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल नहीं मिला, इसलिए मैं एंशिएंट सिटी नहीं जाता। बाकी बात रही स्विफ्ट स्नेक के, भाई मेरे को नहीं जरूरत, मेरा काम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेकार चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर तुम बड़े बड़े बिल्ड कर रहे हो, मैं उतने बड़े बिल्ड करता भी नहीं, करने को करूँ तो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, टाइम वगैरह भाई। मेरा पीसी मतलब इन्वर्टर जो है जिसको मैं खेलता हूँ, वो ख़राब रखा है, तो अभी मेरे पे एक बैकअप इन्वर्टर पड़ा है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बना पा रहा हूँ। और गाँव में भाई लाइट का इशू किसको नहीं पता, इसको रखो अंदर, इसको लगा दो सैपलिंग को इधर। भाई मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, और एक वीडियो में भाई मेरे को पहली बार मतलब रहन दो भाई, वो तुम्हें पता लगेगा 500 सब्सक्राइबर पे, 500 सब्सक्राइबर पे पता लगेगा कि जो मैंने एक वीडियो बनाई है भाई, मैं उसके एडिटिंग करने में बहुत आलसू, कसम से बता रहा हूँ। वो वीडियो करीब 10-15 दिन से ज़्यादा होगा बने हुए, उस पर पता है बहुत ज़्यादा लग के काम किया, 3-4 दिन। मैं बताऊँगा नहीं काई चीज़ की, कौन सी गेम की वीडियो है, क्या कुछ है। व्लॉग में मैंने ऐसा दिखा तो दिया माइनक्राफ्ट, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे माइनक्राफ्ट का कुछ प्रोजेक्ट है, भाई कुछ भी हो सकता है ना भाई ज़ॉम्बी, चल चल कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, बस तुम लोग सब्सक्राइब करो, 500 सब्सक्राइबर पे पता लगेगा वो तो तुम्हें। पाँच सौ सब्सक्राइबर के बाद वो जब सरप्राइज अपलोड होगा, कुछ भी हो सकता है 500 सब्सक्राइबर पे, अगर तुमने जल्दी कर दिए तो भी भाई अलग ही है, देखते हैं भाई। मे भी मेरे को मतलब मैंने ऐसा बोल तो दिया, नहीं मैं बता ही नहीं रहा ना आपको, बस इतना बता सकता हूँ कि 500 सब्सक्राइबर पे रिवील होगा, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो बस फटाफट से, अगर सरप्राइज रिवील करवाना है तो, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मैं तो उससे तभी अपलोड करूँ जब मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे, उससे पहले भाई वो वीडियो वहीं पड़ी रहेगी, उसके आगे की वीडियो पीछे की वीडियो कोई मतलब नहीं, वो वीडियो वहीं पड़ी रहेगी। 500 सब्सक्राइबर के बाद मिलेगी वो, ज़्यादा नहीं, 500 सब्सक्राइबर के लिए देखो अगर आप कौन से चैनल पे वीडियो देख रहे हो, नेटवर्क पांडा पे या प्रोगेमर पे, प्रोगेमर पे तो भाई अभी 44 है, उस पर तो बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और नेटवर्क पांडा पे देख रहे हो तो भाई आप दोनों में से किसी एक चैनल पे कराओ 500। देखो नेटवर्क पांडा पे
अभी मेरे साथ से 377 377 सब्सक्राइबर है, तो उस पर तो जल्दी हो जाएंगे, मतलब 100 सब्सक्राइबर चाहिए। बाकी मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ तो शॉर्ट्स भी मिल जाते सब्सक्राइबर, और जिसने दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोनों सब्सक्राइब कर दो भाई। जितने जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी वो सरप्राइज रिवील होगा, सोचो मत बस कर दो। और पेड़ काटो काटो लकड़ी लकड़ी लकड़ी, भाई मैंने कितनी लकड़ी जमा कर ली होगी मेरे को खुद नहीं पता। हाँ मेरे पास नहीं भी तो 5 stack और 40 है, बट ये मेरे लिए इनफ नहीं है। वैसे मेरे घर के लिए इनफ है, बट मैं फिर भी भाई लावा पूल है, मैं समझ ही आता है लावा पूल है क्योंकि मैंने ऊपर ही वो देख लिए थे। इसके स्टोन ब्लॉक से बंद कर दो भाई, अगर तुम्हें कहीं भी ऐसे ऊपर दिख जाए ना स्टोन के ब्लॉक ऐसे, तो समझ जाना भाई नीचे लावा पूल है। चलो चले, भाई ऊपर आ जाना। चलो यहाँ खड़े होकर पेड़ को माइन करते, बस आयरन भी नहीं है ना, वरना भी एक हो या शेयर बना के फटाफट से इसको माइन कर देता पत्तियों को। अच्छा यहाँ से खुला था लावा पूल, मैंने ध्यान नहीं दिया, आवाज़ आई थी बट अपने को क्या है, अपने को सब लकड़ियाँ अच्छी। देखो यहाँ से भी मेरे को भी लावा दिखा, व्हाट व्हाट, भाई ये वाले फूल तो मेरे को वैसे चाहिए थे, चाहिए नहीं थे मतलब, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लगते, कोई वैसे बेकार नहीं लगते। हाँ गाइस मेरे को एक चीज़ बताना, हम सच में क्या उसको मतलब शुगर केन को बोन मिल नहीं कर सकते? भाई मैंने ट्राई करा, मेरे से तो नहीं होता भाई, मैं इतना कितना ट्राई कर लूँ बोन मिल नहीं होता। फूल को भी बेडरॉक वाले में भाई हम बोन मिल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर बोन मिल करते रहो एम करके भाई वो फूल डबल होता रहता है, और जावा में ऐसा है ही नहीं। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा वो करते हैं, बट वो खेलते जावा है, या तो वो मोड का यूज़ करते या तो वो बेडरॉक खेलते बट जावा वाला मोड यूज़ करते, ऐसे कोई सीन होगा। अभी इतनी लकड़ी तो मैंने जमा कर ही लिए, कितनी है ये 5 stack और 24। चलो अभी चलते घर, इतनी लकड़ियाँ तो वैसे इनफ होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जंगल पास में साफ कर देंगे। भाई मैं आया किधर से था भाई, मैं खो चुका हूँ। अरे 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 भाई जंप्स कर दे, तो ये क्या है, ये क्या दे रहे हो, बैम्बू चेरी चेरी चेरी, चल चल भाई चेरी ब्लॉसम दे रहा है ये, चेरी ग्रेड आया नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाई, चेरी ब्लॉसम चाहिए मेरे को, कहाँ गया, चल चल भाई इसको ट्रैप करना है कैसे भी करके। एक तो ऐसी जगह जाके खड़ा है भाई, नहीं यार अबे नहीं मारा तुम्हारे मालिक को, गलती से लग गई, अंदर कह देना। हाँ भाई मैं मार दो तुम दोनों को, पहले मारूंगा इनकी भैंस की टांग, ये मर गए मेरे हाथ से, मर गए भाई, इन्होंने इतना थूक थूक के जो दिमाग खराब कर रखा है ना। इधर आओ इधर आओ, अबे आने तो दे, नॉक पे कितना तगड़ा है यार इनका, आया मजा आया मजा आया मजा आया आया मजा। हेलो भैया
आप इधर अभी थोड़ी देर के लिए ट्रैप रहो, ऐसे कोऑर्डिनेट देख लूँ। 200 माइनस 200 150, अभी मेरे को ज़ीरो जाना है, वो ज़ीरो किधर हो रहे, प्लस 200 150 माइनस 200 150 इस तरफ हो रहे, तो इधर की ओर चलते फिर वापस आएंगे इधर ही। हाँ वो रहा मेरा घर, चलो थोड़े से अम्ब्रेला लेके आते हैं भाई, चेरी की भी वुड मिल गई, अच्छी बात है। अब ये घर अब हम चेरी का बनाएंगे, मजाक कर रहे हो, चेरी का भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कमेंट में बताना कि चेरी की वुड का बनाए या इसका, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि अब चेरी के पेड़ उगाने फिर काटने करने पड़ेंगे, और ज़्यादा कुछ मेरा नहीं होता, मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलो अभी चलते हैं वापस, उससे लेते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये इसी तरफ है, मेरे को 100% पता है। वैसे मैं बोट का यूज़ कर सकता हूँ ऐसे में, बट मैं नहीं करता। हम मेरे हिसाब से पानी में ज़्यादा फास्ट चलते हैं कंपैरिजन टू मतलब वैसे बाहर चलने से ज़्यादा, देखो हो रहा। चलो चलो आ जाओ भैया, जल्दी बताओ, लाओ ये दे दो। उसके बाद ये क्या करूँगा मैं, ये सब घटिया आइटम लाता है भाई, वन हिट मर गया। हाँ पहले एक पढ़ चुकी थी इस पर। चलो अभी चलते हैं घर, और गाइस आज वाली वीडियो को भी करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। मैं मिलूँगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में करना क्या होता है मेरे को पता है, आप अगली वीडियो में बता मतलब कमेंट में बताना कि अगली वीडियो में हम मतलब ये जो घर है हमारा चेरी के वुड का बनाए या ओक का बनाए, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय 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 गाइस, बाय 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 बाय।